मैच की पहली बॉल वाइड बॉल से शुरुआत की यहाँ पे टीम हमिंग बर्ड्स का। स्कोरिंग जो है शुरू हुआ है वाइड बॉल से, एक रन। आज जिस ग्राउंड पे मैच है, इस ग्राउंड पे हम आज पहला मैच है हमारा, और बहुत ही बेहतरीन डिफेंस किया रेडिकल। आज का मैच है टीम हमिंग बर्ड्स वर्सेज रेडिकल, रेडिकल क्लब्स। एक बॉल हो चुकी है और एक रन है वाइड का। ओ बढ़िया बॉल, पिछले मैच में काफी बेहतरीन इनिंग्स खेली थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे मुजीब। पिछले मैच का टारगेट शहजू भाई और मुजीब ने दोनों ने मिलके ही पूरा कर लिया था, कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ था और जिता के आए थे दोनों, और उसी अंदाज से शुरुआत करने की कोशिश रहेगी मुजीब की। ओ बढ़िया, पूरा बल्ले का फेस खोलते हुए, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, नो रन। बड़ी सूझबूझ से बॉलिंग कराते हुए, उसी सूझबूझ के साथ खेलते हुए मुजीब। यार एक और बॉल पैर आगे निकाला और सिर्फ रोका बॉल को, लेकिन फील्डर के हाथों में नो रन। बॉलर ज्यादा पेस पे बिलीव ना करते हुए, लाइन और लेंथ पे बिलीव करते हुए बॉलिंग करा रहे हैं। यार एक बार फिर से पूरा ड्राइव किया और चार रन, बढ़िया ड्राइव और चार रन। थोड़ी सी आगे गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया मुजीब ने। काफी नीचे रही और एलबी का अपील और विकेट। रेडिकल को अपनी पहली सफलता मिली मुजीब के रूप में, मुजीब आउट होते हुए। बढ़िया खेल रहे थे लेकिन विकेट दे बैठे एलबी। टीम हमिंग बर्ड्स 5 रन एक विकेट नुकसान पर। अगले बल्लेबाज शहजाद, अपनी आज की इनिंग की शुरुआत करेंगे। पिछले मैच में इन्होंने भी काफी बढ़िया पारी खेली थी, आज भी काफी उम्मीद इनसे। अभी तक हमारी टीम हमिंग बर्ड्स के टॉप स्कोरर्स में बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं और ये हमेशा टॉप पे ही रहते हैं, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो। पहली बॉल खेलेंगे और नीचे नहीं बॉल, काफी यहाँ पे ओवर की समाप्ति। 5 रन एक विकेट नुकसान पर टीम हमिंग बर्ड्स। दूसरे ओवर की शुरुआत, राहुल बरी अपनी पहली बॉल खेलते हुए, काफी तेज बॉल नहीं, काफी धीरे बॉल और मिस टाइम किया, कनेक्ट नहीं हुई बॉल। दूसरी बॉल ओवर की, ओ बढ़िया बढ़िया रोका, रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए। उठने तो कह खा देंगे तीनों भाई अपने बॉलर। दो गेंद में कोई रन नहीं अभी तक, बढ़िया ओवर।
तीन गेंदे कोई रन नहीं। ये बॉल वाइड, दोबारा फेंकनी पड़ेगी ये बॉल। मेरा है, मेरा, मैं बैटरी नहीं हूँ, अपना फोन दे दो यार, मैं रख दूंगा उसको। हेलो पीछे हट के खेलना चाहते, लेकिन इतनी छोटी गेंद नहीं थी। अपने पहले रन की तलाश में राहुल बरी, एक बार फिर से पीछे रहे और कट करने की कोशिश, लेकिन फिर से ज्यादा छोटी बॉल नहीं, बॉल से काफी दूर अभी भी। पांच गेंदों में गेंदों के लेकर आया अभी तक। एक और बॉल और शानदार ओवर, केवल एक रन हुई वाइड का, दो ओवर छह रन एक विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, कोई रन नहीं दिया बल्ले से, केवल एक वाइड का रन दिया। राहुल बरी अपने पहले रन की तलाश में छह बॉल खेल चुके हैं और कोई रन नहीं। काफी नीचे रह रही है बॉल इस पिच पे आज, और शहजाद अहमद की हाइट काफी अच्छी। छह रन, छह रन भाई। अगली गेंद, ओ काफी करीब से गई विकेट के, यहाँ पे बहुत बढ़िया बॉल, काफी नीचे और काफी विकेट के करीब से। अगली बॉल देखते हैं क्या करते हैं शहजाद, एक और कट का प्रयास यहाँ पे, लेकिन मिस। सूझबूझ से कराते हुए बॉल, लेकिन बल्लेबाजी में भी और थोड़ा सा को ध्यान धैर्य रखना होगा। चौकों से बढ़िया अभी सिंगल्स दे दें तो ज्यादा अच्छा है। ओ बढ़िया बॉल रोका, फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, एक और डॉट। पिछली 10 गेंदों से कोई रन नहीं आया, 11 गेंदों से कोई रन नहीं आया है विकेट के बाद, केवल एक रन आया वाइड का। एक और कट, इस बार कट हुई लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, एक और बॉल डॉट। ओवर की आखिरी गेंद, शॉट और बेहतरीन चौका, थोड़ी सी आगे और पूरा फायदा और चार रन। ये ओवर मेड नहीं हो सकता था, लेकिन बहुत बेहतरीन ड्राइव और चार रन। स्कोर हो चुका है 3 ओवर में 10 रन एक विकेट। मुजीब ने अपना विकेट खोया था 4 रन बनाकर 5 बॉलों में। चौके, चौका मारने के अगली बॉल पे एलबी, आलोक, आलोक को बुलाया गया है वापस बॉलिंग के लिए, जिन्होंने पहला ओवर काफी बेहतरीन डाला था, केवल एक रन दिया था वाइड का। फिर से बरी स्ट्राइक पे, आलोक बॉलिंग स्ट्राइक पे, एक बार फिर से बरी पीछे हट के डिफेंस, क्या था आलोक के हाथों में, आलोक तो भाई निकलते बरी सिंगल के लिए प्रयास करेंगे। कट पीछे हट के मारा और ये फील्डर से मिसफील्ड, और ये 2 रन। बढ़िया कट कनेक्ट हुआ, मिसफील्ड और 2 रन मिले यहाँ बरी को और टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ आगे,
बड़ी तैयार फिर से बॉलिंग के लिए, दूसरी बॉल डालेंगे इस ओवर की। एक बार फिर से पीछे हटके खेला, बड़ी ज्यादा विश्वास करते हैं पीछे ही बॉल, पीछे हटके बॉल को खेले। ओ, काफी नीचे रही गेंद, सीधी विकेट पर, लेकिन अच्छी तरीके से खेला इसे और बॉल को रोका। आलोक ने चार गेंद में केवल दो रन दिए हैं। ओ, बढ़िया गेंद आलोक की, एक और विकेटों के पास से छकाया यहां पे बल्लेबाज को। आखिरी गेंद इस ओवर की, आलोक फिर से पीछे हटके खेले और ओवर, केवल दो रन इस ओवर से स्कोर हो चुका है 12 रन चार ओवर में एक विकेट के नुकसान पर। शहजू भाई स्ट्राइक पर वापस, अगला फिर से विपुल को लगा गया है अपने तीसरे ओवर के लिए। पांचवा ओवर है, तीसरा ओवर, हाँ टोटल पांच ओवर। कितना दूं? चूना है? चूना नहीं है भाई, चूने से मुंह कट जाता है। पानी 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 खेला क्या तूने? ओ, सिंगल के लिए फ्लिक किया और सिंगल छुड़ाया शहजाद अहमद ने, बढ़िया क्विक सिंगल। वो इस ओवर का पानी कौन ले जा रहा है? शुरुआत काफी धीमी हुई है आज हमिंग बर्ड्स की, लेकिन अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और फुल ड्राइव, लेकिन फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं, मना क्या है बरी ने, अच्छी कॉल। बढ़िया बरी, मिडिल कर पहले। एक कट और ये शानदार चार रन बरी का, काफी देर से कट का प्रयास कर रहे थे और वो कट हुई और चार रन में यहाँ पे बर्ड्स को बरी के खाते में। अगली गेंद, विपुल तैयार, बैट्समैन तैयार, पांचवी गेंद ओवर की, एक और फुल ड्राइव और ये फील्डर दौड़ते हुए और दो रन लेने से नहीं रोक पाए फील्डर। हाँ भाई, वैसे भी टेस्ट होना है, स्क्रीन टेस्ट कर रहे हैं। स्किन बोड़ दिया, टेंपर लगवा दे। हाँ, ओ काफी अंदर बॉल, रोका उसे, कोई रन नहीं। पांच ओवर में 19 रन एक विकेट नुकसान पर। आलोक को तीसरे ओवर के लिए बुलाया गया है। शहजाद बढ़िया खेलते हुए, इनके अभी तक जो दोनों बॉलर्स पेस से ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ में, ज़्यादा आगे नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। और काफ़ी पीछे गेंद, अपील लेकिन नॉट आउट करार दिया है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं अंपायर का। दो गेंदे कोई रन नहीं, बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं आलोक अभी तक अपने पूरे तीसरे ओवर में भी। पहले ओवर में केवल एक वाइड का, दूसरे ओवर में केवल दो रन और अब तीसरे ओवर में दो बोलो में कोई रन नहीं। सिंगल छुड़ाया है यहां, काफी बढ़िया। बड़ी ऑन स्ट्राइक, अब पीछे रह खेल रहे हैं अभी तक, लेकिन पिछले दो बोलो में फ्रंट फुट पे खेले और अच्छे रन मिले उसमें। एक और फ्रंट फुट पे आए लेकिन लेग साइड में वाइड और बाय का एक सिंगल, बढ़िया हो गया हो गया। कौन तेरा आरिफ पूजा, क्या हुआ, क्या बात, तू तो आर पास क्या हुआ, नहीं करा उसने फोन में, हो गया आरिफ को।
तेरे से बात हुई उससे सर कितने कम बात फिर पीछे हट के मारा गया चूना उड़ाते हुए लेट फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। वाइड गेंद एक और रन टीम के खाते में। और ये शानदार चार रनों के लिए सयाद भाई ने मार दिया है ऑन द स्ट्रेट शॉट। चार रन ये हमारा बुढ़ा प्लेयर बहुत टैलेंटेड आदमी है। जहां एक बॉल आगे और वो सीधा बाउंड्री के बाहर। शहजाद अहमद पहुंच चुके हैं 14 गेंदों में 10 रन। एक और पीछे और एक और शानदार चौका मार दिया है लॉग ऑन की तरह फुल स्ट्रेट डाउन। बढ़िया खेलते हुए शहजाद अहमद है स्कोर को ले जा चुके हैं अभी तक 31 रन पे 6 ओवर में। एक दुकान पे गए कह रहा ज़ारा की नहीं है ये लोकल है थोड़ी की बेइज्जती कर दी। ओ सॉरी पैर उतरवा दूं क्या कर रहे हो पैर उतरवा दूं थोड़ी बता दूं शुरू हो गई। विपुल भाई थोड़ा सा थैंक यू और ये बीच में खलल आते बड़ी तैयार बॉलर चेंज। अगले बॉलर हैं अमित पंचाल। अबे हवा से घूम जाता है ये नहीं अभी भी नीचे चला गया तो नहीं है नहीं थोड़ा ऊपर पीछे का बैकग्राउंड बड़ी तैयार बॉलर चेंज। पंचाल साहब आए बॉलिंग के लिए सिंगल के लिए कॉल और लेग बाय का सिंगल लिया यहाँ पे बढ़िया थ्रो। अगली बॉल यहाँ शहजाद भाई फेस करते हुए एक और विकेट के सामने पाया और एक और विकेट शहजाद अहमद के रूप में काफी शॉकिंग यहाँ पे अपील और काफी शॉकिंग डिसीजन यहाँ पे अंपायर का विकेट दिया गया है यहाँ पे शहजाद अहमद का। शहजाद अहमद आते हुए अपना विकेट बढ़िया खेलते हुए यहाँ पे चौदह रन मारे यहाँ पे शहजाद अहमद ने 16 गेंदों में इनमें 3 चौके। अगले बल्लेबाज हैं विशाल काफी यंग बैट्समैन टीम के यंग खिलाड़ी बहुत बेहतरीन फील्डर। छोटी यहाँ बैठ जा छोटी सेट करो शहजाद भाई आप यहाँ बैठो ना यहाँ पर मूड खराब में अच्छी करोगे आप। और ये विशाल ने पहली बॉल फेस करते हुए फिर लाइव है अरे कैमरा कैमरा ठीक है बैठ जाओ ना अनिश भाई आप बैठ जाओ कमेंट्री करो यार। क्यों फेंक दिया तूने वो लुट गए हम तेरी मोहब्बत वो इसी रिगार्डिंग कर रहा है वो कह रहा है कि सर वो अब भी आएगा कृपया ये ट्रेन हो एक बार सर आप दिया तो आप हां वो क्या बात है हो ना ठीक है भाई कहीं पर मैं भाई पानी ले देना पानी ला दो भाई ले
तुम्हें कुछ भी नहीं मिला यार। किस्मत है तुम्हारी, लोगों को तो सोना चांदी मिल जाता है। वैसे बोला मैंने बना दे यार, कुछ खाया नहीं। बना तो दिया आपको। बना ही दिया कुछ बनवा के खा भाई। यार ये गलत बात है यार, मेरे यहाँ तो प्लेट पकड़ा दी। एंट्री करो आगे धीरू भाई। ले भाई कोस्ट तो दिए लो कोस्ट को। अरे भाई तुम नहीं कर रहे हो ना, और जा रहे हो ना, क्या पैसे दे रहे हैं फ्री में लेने के लिए। अब अगला विकेट होगा तो भी नहीं इतना नहीं से इनका भाई वाला तो सिंपल भाई नहीं, ये वाला तो नहीं था भाई। आप लोग यही बात लेके बैठ गए ना यार, 500 रुपए के लिए 500 यार। आप हो गया खत्म करो ना बात, गोली मारो नहीं करेंगे। आप बार बार एक चीज को पकड़ रहे हो, सभी लोग बोल रहे हैं भाई। मैं कहता हूं ना बोलो भाई, छोड़ दो मेरे को, समझ में नहीं आ रहा। ये गया रास्ते में, बोलने वाले लड़के आए, मेरे को तो बोल रहे मैं बैठा हूं। अरे बाजू बैठे हो आप इसीलिए, उनको बोल दो आप लड़के क्यों आए, बोलने क्यों लड़के आए, नहीं लड़ना था हमको भी। मैं तो यहां बैठा हूं, मैंने कुछ बोला नहीं। तो छोड़ दे, क्यों लड़ रहे हो आप? कुछ आप 8 बार बोल चुके हो ये बात। अरे यार क्यों मैच खराब कर रहे हो, चुप करो ना बोलो, खत्म करो ये बात को, छोड़ो। ओ विशु लवली ऐसा रहा है, वाह सही मारा, फेर मारा, नहीं हो जाता यार कभी। पता है मैंने चेजू भाई को बोला था मैच छोड़ता, इसके लिए मैंने गलती से बोल दिया, क्योंकि ग्राउंड बुक हो गए भाई। संडे खराब नहीं करना था ना भाई, वही तो कह रहा। और लेकिन जब मैं आया रवि, मैंने साथी में बोला ना कि यहां नहीं रखूंगा, इसके ग्राउंड बेकार है। वो तो 200 खजूर का पेड़ चोरी का है क्या ये? चोरी जलाया तो सुजीत के घर पे ना भाई, ये पहला 50 ले रहा इसी से ही था भाई। ये विक्की नहीं है भाई, लेदर था इन्होंने ना मरवा ली ना। अभी भी स्ट्रोक भाई दिखा, स्ट्रोक तो बहुत है लेकिन वो मजा नहीं है ना। राकेश रथ है बॉलर और बढ़िया बैटिंग करते हैं विशाल, यहाँ पे विशाल सिंह। अगली बॉल पीछे रह के खेला सुरक्षात्मक तरीके से, कोई रन नहीं। अरे ये ऑफ हो गया था क्या? रिकॉर्डिंग वाला शॉट किया है। ये वही है ना जो आगरा वाला है जो जला था। हां वही है। ओ सॉरी बैठो जरा यार। मुट क्यों ना अपना। ये तो होता है ये जो
ऊपर रखा था उस पे और ये बॉलर ने अपने तेज बॉल डाली, बहुत शानदार डिफेंस विशाल का। बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला विशाल। शाबाश। ये दोनों आपने 70 रन लेने में अभी चालू किया ना, अभी बंद किया था इसने, अभी बंद किया था इसने, अभी क्या? बढ़िया बैटिंग करते हुए आज यहाँ बरी फिर से थोड़ा टाइम लेते हुए, ठीक है, बॉलर भी आ रहा है बॉल, और ये सिंगल के लिए गैप में मारा था और सिंगल नहीं रोक पाए फील्डर और एक सिंगल रन लिया। राहुल बरी धीरे धीरे करते हुए 12 रन तक आ चुके हैं 20 बॉलों में। अमित पंचाल अच्छा ओवर करा रहे हैं, आखिरी गेंद है उनके दूसरे ओवर की। सिंगल के लिए कॉल था लेकिन वापस भेजा, कोई रन नहीं, अच्छी वापसी, वापस भेजा, बढ़िया। यहाँ पे बरी ने मना किया सिंगल के लिए। थोड़ी भाई आपकी एक गलत बात है, आपको कोई नहीं मिलता, आप पकड़ लेते हो इन्हें। हाँ, ये बात तो इन्होंने सबने बोला, सबने बोला, आपने इनको ऐसे बोला तुम्हें क्या बोल रहे हो, इमरान ने कितनी बार बोल दिया, इतनी बार पूछ लो, मैंने क्या बोल दिया। राकेश रथ राकेश रथ बॉलिंग पे, कीपर आगे है हेलमेट पहनते हुए। राकेश रथ ने अपने पहले ओवर में 8 रन दिए थे जिसमें एक छक्का था जो विशाल ने काफी बेहतरीन मारा था स्ट्रेट का। विशाल स्ट्रेट ड्राइव ऑन द ड्राइव काफी अच्छा खेलते हैं, जो उनके शॉट्स होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं स्ट्रेट वाले, सीधे बल्ले ज्यादा खेलना पसंद करते हैं विशाल, और बरी ज्यादातर बैक फुट पे खेलना पसंद करते हैं। और लेग साइड में अपील थी छोटी सी, नौ ओवर के बाद 48 रन है, 10 ओवर चल रहा है यहाँ पे, और ये लेग साइड में मारा है फुल टॉस गेंद को, और 4 रन, एक और चौका राहुल बरी के बल्ले से, और अपना स्कोर, अपना निजी स्कोर वो 17 रन तक ले जा चुके हैं 22 गेंदों में।
धीरे धीरे अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हुए विशाल डाल दिया ना भाई विशाल नहीं बरी है राहुल बरी पहली बॉल भी बरी नहीं खेली थी काफी तेज रन लेते हुए दो रन बनाया हो सकता था लेकिन राहुल काफी आगे निकल चुके थे अपनी विकेट से बाल सफेद हो रहे आपके शादी करो आप अनिल भाई टेंशन ज्यादा यार ग्राउंड बुक कर देता हूँ ना 500 फालतू वाले लास्ट बॉल पे विशाल सिंगल लिया था आई डोंट नो बेहतरीन एक और शानदार ऑन द ड्राइव खेलते और चार रन बेहतरीन शॉट यार राहुल बरी का एक और 25 बॉलों में 23 रन पे पहुंच चुके हैं राहुल बरी यहां पे तीन चौके और स्ट्राइक रेट पहुंचा चुके हैं 92 से शुरुआत की दिनों ने 20 के स्ट्राइक रेट से जो अब धीरे धीरे 92 तक पहुंचा चुके हैं अब 192 हो जाएगा पता नहीं चलेगा वो कौन सा 92 रे लेट वाला उससे पहले वापस आ जाएगा 192 यहां का राज बरी खेलेगा 192 आज बरी कर रहा है 192 तो नहीं होते 58 रन हो चुके हैं 10वें ओवर में थोड़ी धीमी गेंद लेग साइड की तरफ अपील थी छोटी सी फिर से नकारा अंपायर ने शॉर्ट गेंद आखिरी ओवर 10वें ओवर आखिरी बॉल 10वें ओवर की राकेश रथ एक और एकदम चिप शॉट खेलते हुए और ये एक और बढ़िया फील्डिंग बरी बरी चार रन एक और चौका बेहतरीन ओवर यहाँ हमिंग बर्ड्स की तरफ से नहीं जावेद पीछे खड़ा है 10 ओवर में 62 रन उसने बोला है हमिंग बर्ड जगह जगह फैली हुई यहाँ पे लेकिन अभी किसी का मुंह फैला हुआ है 10 ओवर में 62 रन दो विकेट नुकसान पर 10 ओवर 62 10 में 62 बढ़िया बैटिंग वापस से राहुल बरी ने इस ओवर में तीन चौके मारे हैं 6.20 का रन रेट है हां तो भाई मिलेगा नहीं उसे खाने को या या हर कोई हमारे छोटे नहीं होते एक बुरकी लेके सबको बुरकी बांट देते हैं बुरकी होता है एक निवाला अरे बुर और इससे ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है यार कैसे बन रहे हो पाउस है यार वी आर लाइव डूड लाइव डूड क्या हो गया ये पंजाबी बड़े भाई बुरकी ओके आप ही लोग 11वें ओवर की पहली बॉल विशाल ऑन द स्ट्राइक सिंगल के लिए रोका बॉल को और बॉल काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ लेकिन दो रन विशाल ने केवल सिंगल के लिए पुश किया था बॉल को लेकिन बॉल काफी तेजी से सीमा रेखा की तरफ दो फील्डर ने मिलके बॉल को रोका और केवल दो रन लेने दिए बढ़िया गेंद और बहुत बढ़िया कीपिंग आवाज भी आई हवा जैसे ही आती है वैसे ही वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा ब्लर हो जाती है इसके लिए माफी चाहेंगे एक और बॉल और काफी ऊंची और ओ कैच हो सकती थी थोड़ी ऊंची गेंद एक बार फिर से दो रन बढ़िया विशाल बढ़िया खेलते हुए यार कह रहे
ओए तू तो चौका तो बहुत दूर तू नहीं बोल दिया था तीन गेंदे चार रन दिए हैं और फिर से रोका सिंगल चाहते हैं लेकिन मना किया राहुल बरी ने यहाँ पे कोई रन नहीं चार गेंदे चार रन अरे अंदर तो बिल्कुल अंदर ही जाते हैं अरे यार समझे नहीं तुम लोग जहाँ वो माता को प्रसाद दे चढ़ा था उसके अंदर हाँ उसके अंदर भी गए गए हैं भाई मैं भी गया हूँ 1500 2000 का दान तो अपने बैठने देगा और एक बार बताऊँ मैं भी गया हूँ बढ़िया कीपिंग यहाँ पे डॉट बॉल काफी बाहर रखते हुए विशाल से शायद विशाल की स्ट्रेटजी समझ चुके हैं बॉलर कि उन्हें अगर विकेट टू विकेट बॉल देंगे तो वो लेग साइड में भी मार सकते हैं स्ट्रेट भी मार सकते हैं तो अच्छा ये कि वो बैट्समैन से थोड़ा दूर रखा जाए आखिरी गेंद उसके ओवर से 66 रन हो चुके हैं अभी तक एक और बॉल सिंगल चाहते हैं और सिंगल चुराया अभी एक और बढ़िया सूझबूझ भरा ओवर दोनों ही टीम की तरफ से केवल 5 रन इस ओवर से स्कोर हो चुका है 66 रन है अभी देख इसने एक रन बॉलर इस बार चेंज मुकेश कुमार आए बॉलिंग के लिए स्कोर है 11 ओवर में 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुकेश अपना पहला ओवर कराते हुए यहाँ मीडियम फास्ट रन अप काफी अच्छा इनका देखते हैं पेस कितना बेहतरीन है इनका विजय भारे नो बॉल हो सकती है काफी छोटी गेंद लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में बाउंड्री लाइन के पास और एक रन ये देख फिर नो रन करेगा ठीक ओ बहुत बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे राहुल बरी की माफी चाहेंगे फील्डर की लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाए भरी अपना स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर ले जाते हुए 29 रन मारने के लिए उन्होंने 4 चौके मारे हैं बाकी ये 13 रन भाग के लिए हैं इन्होंने काफी बाहर गेंद जाने दिया बल्ला लगा पीछे नहीं है कोई अरे उसे लगा वाइड है बहुत बाहर थी काफी पीछे से खेलते हुए सिंगल के लिए करना चाहते थे लेकिन नहीं एक और डॉट बॉल बट थोड़ी देर जल्दी लगता नहीं है एक और काफी नीचे लेकिन बाहर डॉट हुई ओ काफी ऊंची बॉल थी काफी धीमी गेंद लेकिन बढ़िया खेला और सिंगल दिया 12 ओवर की समाप्ति पर 71 रन आज 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 तो भाई फैन करके बैठे हैं हम आपकी नहीं सहला रहे हैं नहीं आपका सहलाने से हमें कोई फायदा नहीं है देखो अगर पैड नहीं पहने हुए हो तो बात समझ में आती है भाई ने पैड पहन रखे तो भाई वो ये आपकी सहलाएं
जैसे ही सहलाने वाले हैं इनकी सहलाओ, दोनों आपस में सहला रहे वैसे। विपुल को वापस बुलाया गया है बॉलिंग के लिए, जो अपने तीन ओवर में केवल 16 रन दिए हैं। बढ़िया ओवर कराया इन्होंने, अपना पहला स्पेल, एक विकेट भी लिया इन्होंने मुजीब का अपने पहले ओवर में। 12 ओवर का खेल हो चुका है। बढ़िया सिंगल, लेकिन वहां कोई नहीं, दो रन आराम से मिल सकते हैं। बहुत बेहतरीन रनिंग यहाँ पे दोनों प्लेयर द्वारा, अच्छा गैप में खेला हुआ शॉट। विपुल की अगली गेंद, ओ बहुत बाहर की बॉल को कट किया, बहुत बेहतरीन कट, इस बार कनेक्ट हुआ और एक रन। बट पोजीशन इसका चेंज था इस बार भाई, ओ एक बार फिर से बढ़िया बॉल, बढ़िया सिंगल, अच्छा ओवर चलता हुआ, लेकिन बैटरी यहाँ बताना चाहेंगे हम, यहाँ बताना चाहेंगे कि कैमरे की बैटरी केवल 15% बची है। ये फिर से नीचे बॉल, सिंगल के लिए पुश किया है बॉल को और काफी दूर है यहाँ फील्डर, दो के लिए कॉल और रहा, काफी तेज है दोनों फील्डर, दोनों बैट्समैन, और दो रन लिए आराम से। बढ़िया रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक, इस ओवर में अभी तक पूरी बेहतरीन क्रिकेट देखी है हमिंग बर्ड्स की तरफ से, कोई बॉल डॉट नहीं, सिंगल डबल बढ़िया खेलते दोनों बल्लेबाज। बॉलर परेशान आकाश, ओवर की पांचवी गेंद, और काफी आगे बॉल और काफी अच्छा ऊपर से निकाल दे यहाँ पे 30 yards के, ये शॉट इसको मैं नया नाम दूंगा चोर शॉट, चिप शॉट, और सिंगल लिया फिर से एक और, एक रन आया इस बॉल से, 7 रन आ गए हैं 5 बॉलों में। आखिरी बॉल इस ओवर की और इस सेशन की, काफी छोटी, ऑफ साइड में ही मारा सिंगल के लिए, तेरा कंप्लीट, और सिंगल लिया, स्कोर हो चुका है 13 ओवर में 79 रन, 2 विकेट नुकसान पर। 14 ओवर की पहली बॉल, सिंगल के लिए धकेला, 36 पे 36 राहुल बरी स्ट्राइक पे, बढ़िया खेल रहे हैं राहुल बरी, बढ़िया कीपिंग, वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन, अगली बॉल राहुल बरी काफी पीछे, हल्की अपील, नॉट आउट, अगली बॉल एक और डॉट बॉल, छोड़ रहा हूँ सेट कर दूंगा, बस करता हूँ एक और डॉट बॉल, बरी वापस से अपने उसी अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा खेलते हैं, और डॉट होती है बॉल बैक फुट पे, ओ बढ़िया सिंगल के लिए उठा के खेला था, लेकिन सिंगल, इसमें ब्लरी आती है, इसमें आती है। काफी आगे और बहुत बेहतरीन कैच, विकेट दिया यहाँ पे,
राहुल बोरी पहली बॉल पर सिंगल लेते हुए और हमारे न्यू बैट्समैन धीरज कुमार भारती जो अभी तक कमेंट्री कर रहे थे अब जाके वो बैटिंग करने जा रहे हैं। आए हैं थोड़ा अपना बदन खोल रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं अपने शरीर को। और धीरज कुमार भारती अपनी पहली बॉल खेलते हुए और ऑफ साइड में बहुत बाहर वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। और सेकंड बॉल धीरज कुमार भारती, बहुत ही शानदार बॉल फील्ड कर दिया है धीरज कुमार भारती को। धीरज कुमार भारती बहुत ही शानदार बॉल फिर से बीट करते हुए धीरज कुमार भारती को, बॉल बैट से लग नहीं रही है, संघर्ष कर रहे हैं बॉल को मारने के लिए। बार बैट पर डिफेंस करते हुए सिंगल लेते हुए बहुत ही बारीकी चिराया सिंगल। और ये बहुत शानदार डिफेंस मिस्टर राहुल बरी का। और ये 14.5 बॉल 85 रन 3 विकेट्स लास्ट बॉल ओवर की और बहुत ही शानदार बॉल और ये ओवर समाप्त। 15 ओवर के समाप्त होने पर 85 रन्स 3 विकेट्स राहुल बरी जो है 43 बॉलों में 38 रन पे खेल रहे हैं 4 चौकों की मदद से। और अभी अभी धीरज कुमार भारती आए हुए हैं जिन्होंने 3 बॉलों में 1 रन बनाया है और ये बॉलर चेंज जो इन दूसरी टीम के कैप्टन हैं वो आए हैं बॉल डालने। धीरज कुमार भारती स्ट्राइक पे और पहली बॉल जाते हुए और ये बॉल फेंकी बहुत ही ढीली बॉल, बहुत स्लो वन बॉल डाली थी, बीट कर दिया है धीरज कुमार को। 2.1 बॉलों में 7 रन देके 1 विकेट हासिल किया है। सेकंड बॉल सिंगल लेते हुए बहुत ही आसानी से 1 रन लिया राहुल बरी स्ट्राइक पे। तीसरी बॉल स्लोअर बन मारी थी और बहुत ही शानदार शॉट मारा था राहुल ने 1 रन लेते हुए। और ये ओवर की लास्ट बॉल 89 रन हो गए हैं 3 विकेट ऑफ लॉस। अबे हाथ में फोन है तो आ नहीं सकता यहाँ पर, अब आके यहाँ कमेंट्री करा के।
और ये ओवर समाप्त होने हो चुका है, जिसमें से 90 रन बना चुके हैं हमिंग बर्ड्स 3 विकेट के नुकसान पे 16 ओवर। राहुल बरी जो है वो 45 बॉलों में 40 रन पे खेल रहे हैं। शुरुआत बहुत ढीली थी राहुल की, लेकिन जो कवर किया है इन्होंने बीच के ओवरों में बहुत अच्छा खेले हैं, जिसके बावजूद हमारे 90 रन हैं। सीधी बॉल धीरज कुमार भारती ने सीधे बल्ले से डिफेंस करते हुए, यहाँ टीम हेमिंगबर्ड्स का स्कोर 90-3 16.1 ओवर के बाद। कवर्स की दिशा में सिंगल के लिए, यहाँ पर 2 रन की कॉल और बहुत ही आसानी से इन्होंने 2 रन पूरे करते हुए। ये बहुत ही प्यारा कट 4 रन के लिए, बहुत ही प्यारा करता है धीरज कुमार भारती का, और आप जानते ही हैं कुछ मैचों से ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बल्ले से। सो टीम को खासी उम्मीद है इनसे, मिडिल ऑर्डर के बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं ये। यहाँ पे टीम हैंगिंग बर्ड्स एक अच्छे स्कोर की तरफ जाते हुए, और हम जानते हैं टीम हेमिंगबर्ड्स की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार है। सो टीम हेमिंगबर्ड्स ये चाहेगी कि ये कम से कम 22 ओवर खेले दोनों, ये वाइड बॉल और साथ ही एक अतिरिक्त रन। यहाँ पर राहुल बरी बॉल को खेलते हुए बहुत ही प्यारा इन्होंने कवर्स के ऊपर से उठाया, और 2 रन की कॉल है और बहुत ही शानदार फील्डिंग, और यहाँ पे सिर्फ 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। यहाँ पे टीम के 100 रन पूरे होते हुए, और यहाँ पे आज क्या लगते हैं राहुल बरी जो बहुत ही अच्छा शानदार खेल दिखाते हुए आज अपना, और टीम को इनसे यही उम्मीद है। ये इन्होंने स्क्वायर की तरफ सिंगल के लिए क्लिक किया, यहाँ बहुत ही शानदार फील्ड टीम रेडिकल के सबसे तजुर्बेदार खिलाड़ी से। यहाँ पे ओवर की आखिरी गेंद, यहाँ पे एक और कट बहुत ही शानदार कट, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। यहाँ पे 17 ओवर की समाप्ति के बाद 103 3 विकेट के नुकसान पर टीम हेमिंगबर्ड्स। ये तो मैंने उस दिन भी बता दिया था।
यहाँ पे गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव। बल्लेबाजी में बदलाव, यहाँ पे स्पिनर को लगाया गया है। ओ फ्रंट फुट पे बहुत ही प्यारा पॉइंट की दिशा में एक रन के लिए। राहुल परी जो गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड्स की दिशा में लेकिन एक रन संतुष्टि। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और यहाँ फुल टॉस लेकिन बहुत ही शानदार से उसे शानदार तरीके से उसे प्लेस किया गया कवर्स की दिशा में। लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गेंदबाजी बहुत अच्छी, तीन गेंदों में सिर्फ तीन रन। यहाँ पे मिड विकेट की तरफ खेला गया शॉट, दो रन की कॉल और यहाँ धीरज कुमार भारती ने बहुत शानदार कॉल किया और दो रन कंप्लीट। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक अतिरिक्त रन ओवरथ्रो और हम कह सकते हैं कि ये बैकअप बहुत ही गलत। जहाँ बहुत ही अच्छा शानदार ओवर चल रहा था वहाँ पे ये एक मिस फील्डिंग के वजह से तीन रन। ओ यहाँ पे बहुत ही प्यारा कट एक रन के लिए, बहुत ही शानदार तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच बिटवीन द विकेट। थोड़ी सी भी हिचक नहीं सिंगल चुराने में। और ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आपको एक एक रन चुराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छा खेल सकते हैं। यहाँ पे एक और सिंगल के लिए अंपायर के थोड़ा सा बॉल लगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ ओवर्स की समाप्ति और 111 पे तीन विकेट टीम हेमिंगबर्ड्स। यहाँ राहुल बरी 48 रन पे खेलते हुए 50 गेंदों में। यहाँ पे 19 ओवर की पहली बॉल राहुल बरी जो संघर्ष करते हुए सिर्फ कट के ऊपर। तुम्हारे अलावा कोई फ्रंट फुट पे खेल ही ना और सब बैक फुट पे मारे, जब पता है बाउंस नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों वहीं पे खेले जा रहे खेले जा रहे। इतनी देर होगी से खेलते अब तो फ्रंट फुट पे खेले आ गया। यहाँ पे मिड विकेट की तरफ खेला गया शॉट एक रन के लिए। यहाँ एक रन गेंद। धीरज कुमार भारती एलबी की अपील पर बॉल स्टंप लाइन को मिस करते हुए। बहुत ही अच्छा ओवर रेड सीगल्स टीम क्लब की तरफ से, तीन गेंदें मात्र एक रन। फिर से बैकफुट पे खेलते हुए खिलाड़ी। आप पर कीपर ऊपर आ गया नहीं तो मैं तो बाहर से खेलता और
फेसर में थोड़ा पीछे से अजीब सा लगता है खेलना, आगे खड़े रहो तो बॉल मूव नहीं करेगी ज्यादा, उससे पहले ही आ जाती है। हाँ थोड़ा पेस आता है वो अलग है। और एक ये भी होता है ना, फिर एलबी का चांस भी बहुत रेयर हो जाता है अगर ऊपर। मैं तभी मैं इस बार मैं लेग स्टंप से बाहर का वो ले गार्ड ले खेल रहा जब ये कि मैंने कहा आऊँ ना मैं अंदर। यहाँ पे धीरज कुमार भारती लेग बिफोर दिए गए बहुत देर से बैकफुट पे खेलते हुए और आखिरकार गेंदबाज को सफलता मिलती हुई और टीम हेमिंगबर्ड्स 114 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं टीम हेमिंगबर्ड्स यहां से कितने रन और बटोर सकती है। यहां अभी पूरे 6 ओवर का खेल शेष। यहां पे अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र कुमार जो इस टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, पावर प्ले में हिटिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं। पहली गेंद यहाँ पे राहुल परी ने लीव करी और एक रन मात्र दूर अपने अर्धशतक से, और यहाँ पे राहुल परी अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भाई। राहुल बरी का पहला अर्धशतक, बहुत दिनों बाद इनके बल्ले से ये अर्धशतक निकलता हुआ और टीम के लिए खासा जरूरी आज के मैच में, और इन्होंने बहुत ही अच्छे समय पे शानदार खेल दिखाया। अब यहाँ पे रविंद्र कुमार जो हमारे टीम के बहुत से धांसू प्लेयर हैं, भी ये देखिए आते ही इन्होंने बल्ला चलाया और इसी के लिए जाने जाते हैं कि लंबे शॉट बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से खेलते हैं ये। यहाँ पे राहुल बरी अपने पारी को समाप्त करते हुए और क्लीन बोल्ड यहाँ पे अंदरूनी खिलाया लगा उनके बल्ले का और गेंद सीधा उनके स्टंप से टकराई और टीम हेमिंगबर्ड्स 116 रन 5 विकेट के नुकसान पे अगले बल्लेबाज रेशम सिंह सोडी जो टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी और ये इनका T20 करियर का स्ट्राइक रेट 114.4 और इनका बहुत ही अच्छा हिटिंग जोन है मिड विकेट के बीच में, बहुत शानदार मारते हैं शॉट और थोड़ा सा सफल करते हैं जिससे गेंदबाज अपनी लाइन ऑन लाइन से भटक जाता है। सो ये इनकी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है गेंदबाज को उसकी दिशा से भटकाने के लिए। अब देखते हैं रेशम सिंह सोडी क्या करते हैं, पर इस टाइम टीम हेमिंगबर्ड्स को इनकी खासा ज़रूरत। पहली गेंद फेस करते हुए यार रेशम सिंह सोडी यहाँ आते ही इन्होंने बल्ला चलाया और फाइन लेग की तरफ शॉट और यहाँ डबल 2 रन के लिए कॉल और बहुत ही शानदार तरीके से दोनों ने 2 रन कंप्लीट करे। आपको ये बता दे ये दोनों ही खिलाड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट पे इतना भरोसा नहीं करते जितना ये बाउंड्रीज पे और हार्ड हिटिंग्स पे भरोसा करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी बहुत ही शानदार दौड़ लगाई विकेट के बीच में। यहाँ सिंगल के लिए रेशम सिंह सोल्डी और कवर्स की दिशा में 1 रन चुराया। यहाँ पे 20 ओवर में ठीक हूँ मैं, बाउंड्री के बाहर हूँ या अंदर जाऊँ।
यहाँ 20 ओवर में 119 पे 5 छोटी बॉल और एसएमसन सोडी ने पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से शॉट डालते हुए लेकिन एक रन। अगर देखा जाए तो टीम हेमिंगबर्ड्स के कुछ गेंदों से बाउंड्रीज ना आते हुए टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों बहुत ही अच्छी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, तो गेम को ये कभी भी बदल सकते हैं। इनका टिका रहना बहुत ज़रूरी। और देखिए ये इन्होंने ये शॉट घुमाया मिड विकेट की तरफ और दो रन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दो रन कंप्लीट। छोटी बॉल और इन्होंने कवर से लेकिन एक रन संतुष्ट। सोडी जिनका स्ट्राइक रेट 133 के, दोनों ही बल्लेबाज 133 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इस वक्त। ये देखिए इन्होंने फाइन लेग के ऊपर से चार रन बहुत ही देरी के बाद आखिरकार पहला चौका और एसएम सिंह सोडी का इस पारी का पहली बाउंड्री चार रन। हमने आपको बताया है एसएम सिंह सोडी के बारे में, कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। छोटी गेंद और उसी दिशा में डीप विकेट विकेट के ऊपर खेला गया शॉट एक रन। यहाँ पर मिस फील्ड और बहुत ही शानदार रन चुराया। यहाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनका क्षेत्र रक्षण कमज़ोर, जिसके चलते बहुत ही अतिरिक्त रन टीम हेमिंगबर्ड्स ने बटोरे हैं और इनकी रनिंग और फिटनेस की तो कोई जवाब ही नहीं टीम हेमिंगबर्ड्स। ये देखिए इन्होंने बहुत ही प्यारा फ्लिक, ओ यहाँ पे एसएम सिंह सोडी ने डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। फील्डर का बहुत ही शानदार प्रयास गेंद को रोकने का, पर गेंद फील्डर के ऊपर से यहाँ पे 22वें ओवर की पहली गेंद की तरफ खेला गया एक रन के लिए रविंदर कुमार, जो हमारी टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी और इस टीम के सबसे बढ़िया और धाकड़ हिटर। रेशम सिंह सोडी अपनी गेंद, ये देखिए यहाँ पर कितने आसानी से इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। हमने आपको बोला है रेशम सिंह सोडी बहुत ही ज़्यादा और लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 314 के स्ट्राइक रेट से ये खेल रहे हैं। मात्र 7 गेंदों में इन्होंने 22 रन बनाए हैं और ये देखिए दोबारा सफल के रहा और अपनी क्रिस से बाहर आए, पर इस बार ये सफल ना हो पाए। बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हुए रेशम सिंह सोडी बहुत अमित
खासी गेंदबाजी करी है इस मैच में, पर थोड़ा सा यहाँ सफल करते हुए, ये देखिए दोबारा से डीप मिड विकेट की तरफ सफल किया और एक रन के लिए। यहाँ पे ओवर की दो गेंद शेष, यहाँ पे बल्ला चलाया और फाइन लेग की तरफ, पर रेशम सिंह सोडी ने रन लेने से नकारा। हमने आपको पहले ही बताया है ये रनिंग बिटवीन द विकेट में इतना विश्वास नहीं रखते, सो ये ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा, पर बहुत ही अच्छा हिट करते हैं जो आपने अभी देखा। यहाँ पे रेशम सिंह सोडी, ये देखिए दोबारा इन्होंने शॉट खेला और चार रन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और टीम हैमिंगबर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा खेलते हुए रेशम सिंह सोडी और दोबारा BSNL चार रन। यहाँ पे 22 ओवर की समाप्ति के बाद टीम हैमिंगबर्ड्स 148 पे 5। यहाँ पे विपुल जो साइकिल बॉलर हैं रेडिकल्स के, दोबारा गेंदबाजी करते हुए और पहली गेंद डॉट कराई इन्होंने गंगा भाई से। गंगा भाई हम कह सकते हैं इनका निक नेम है जो इनके साथी खिलाड़ी इनको बुलाते हैं। ये देखिए इन्होंने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से और 6 रन। हमने आपको बताया दोनों खिलाड़ियों के कि ये ताकत है कि ये अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री में तक बदल देते हैं और बहुत ही आसानी से ये बाउंड्री को ऊपर से 6 रन मार सकते हैं। ये देखिए दोबारा से इन्होंने मिड विकेट पे, पर बहुत ही अच्छा फील्ड किया बॉल फील्डर ने बॉल को। यहाँ अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रोजेक्ट स्कोर जो 172 रन ये आसानी से बना सकते हैं टीम हैमिंगबर्ड्स। विपुल जो अपनी अगली गेंद डाली और ये देखिए बहुत आसानी से दोबारा इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन फ्लैट 6, ये इनकी ताकत है। बहुत ही शानदार तरीके से ये शॉट को मारते हैं, क्रिकेटिंग शॉट है इनका और ये बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और अपने साथी खिलाड़ी को भी अक्सर ये सलाह देते हैं कि ऐसा खेला जाए, कभी एक शॉट पे निर्भर ना रहा जाए, बहुत ही अच्छा खेल दिखा। तो ये देखिए सफल करते हुए अपनी अंदर क्रिच के, ये अगेन इन्होंने कमेंटेटर के ऊपर से, आपने ये देखा ये वाला शॉट पूरा कमेंट्री बॉक्स पे ही इन्होंने मारा देके, ऐसा लगते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि हम इनकी तारीफ करते रहे ऐसे ही, लेकिन क्या कहें ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं टीम हैमिंगबर्ड्स के। अक्सर इनकी पोजीशन चेंज करी जाती है टीम के सिचुएशन के हिसाब से और ये उसमें खरा उतरते हैं हमेशा। ये देखिए अगेन बट मिस हिट और ये पॉइंट्स पे कैच टपके गए, बट बहुत ही शानदार खेल दिखाया और टीम हैमिंगबर्ड्स को अच्छे मुकाम पे पहुंचाया। रेशम सिंह सोडी जिनका स्ट्राइक रेट 300 और मात्र 13 गेंदों में इन्होंने 37 रन 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से। अब टीम हैमिंगबर्ड्स के अगले बल्लेबाज इमरान खान जो टीम के कप्तान, और इनकी कप्तानी में टीम हैमिंगबर्ड्स बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हुए, और इससे पहले रेशम सिंह सोडी आउट हुए जिसके बाद ही आप इमरान खान को
क्रीज पे देख रहे हैं, लेकिन अगर हम बता दें तो ये भी बहुत ही पावरफुल हिटर है। इनकी फोर हार्म में इतनी ताकत है कि एक हाथ से ही ये बाउंड्री पार कर सकते हैं। ये देखिए आते ही इन्होंने बल्ला चलाया, लेकिन टीम के लिए अच्छी खुशखबरी कि ये फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आज। आपको इनके बल्ले से क्रिकेटिंग शॉट तो नहीं पर ऐसे शॉट देखने को मिलेंगे जिससे आप इसको देखने के लिए आपको दूरबीन मांगनी पड़ जाए। और अगेन इन्होंने कूदे और कीपर ने बिल्कुल भी गलती ना करी और दोबारा से ये शून्य पे आउट हुए। टीम अपने लिए खाता भी नहीं खोल पाए। एक सेल पड़ जाएगा पूरा।